और अब लखनऊ से खबर। कार से स्टंट करते हुए वीडियो वायरल हो गया है। बैकुंठ धाम के पास कार स्टंट का वीडियो वायरल। कई बार रेलिंग तोड़ने से कार सवार बचा। गोमती नगर थाना का ये वीडियो बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, बैकुंठ धाम के पास कार के स्टंट करने का ये वीडियो वायरल हो रहा है। कई बार रेलिंग तोड़ने से कार सवार बाल बाल बचता है। गोमती नगर थाने का ये वीडियो बताया जा रहा है। कार से स्टंट करते हुए ये वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, कैसे बड़ी तेजी के साथ जो ये कार सवार है, ये कार आगे बढ़ाता है, रेलिंग को कई बार तोड़ते हुए बचा है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। राजधानी लखनऊ से ये वीडियो सामने आया है। बैकुंठ धाम के पास कार से स्टंट का ये वीडियो बताया जा रहा है। कई बार रेलिंग तोड़ने से ये कार सवार बाल बाल बचा। कई बार निर्देश देने के बावजूद भी स्टंटबाज बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें स्टंटबाजी करते हुए कार सवार नजर आ रहे हैं। एक और बार ये वीडियो सामने आया है लखनऊ से। गोमती नगर थाना का ये वीडियो बताया जा रहा है। हालांकि अब इस वीडियो के आधार पर इस कार चालक की पहचान की जा रही है, लेकिन आप ये देखिए कैसे रेलिंग तोड़ने से बचता हुआ ये कार सवार आगे बढ़ जाता है, स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। और अब जो ये वीडियो है ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बैकुंठ धाम के पास ये कार स्टंट का वीडियो और इस गोल घेरे में इस कार को भी आप देख सकते हैं, कई बार चक्कर लगाती हुई ये कार नजर आ रही है और पास ही लगी रेलिंग को तोड़ने तक की नौबत आ गई थी। आप देखिए और ये देखिए लगातार आपको ये वीडियो हम दिखा रहे हैं किस तरीके से कई बार आगाह करने के बावजूद भी जो स्टंटबाज हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं और आए दिन स्टंटबाजी के ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें खुद की जान को जोखिम में डालते हुए जो लोग हैं वो दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं स्टंटबाज और अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर ऐसा वीडियो लखनऊ से सामने आया है जो कि वायरल हो रहा है और आप देखिए कार से स्टंट करते हुए ये कार चालक नजर आ रहा है। और अब खबर ऋषिकेश से, जहां ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों में मारपीट हो गई। पर्यटकों ने एक दूसरे पर चप्पू से हमला किया है। शिवपुरी से राफ्टिंग करते हुए ये पर्यटक आ रहे थे। किसी बात को लेकर बताया जा रहा है कि पर्यटकों में कहासुनी हो गई और किसी भी पक्ष ने अभी तक पुलिस में तहरीर नहीं दी है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से बीच नदी में राफ्टिंग के दौरान जो ये पर्यटक थे एक दूसरे पर चप्पू से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डालते हुए दूसरों की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। बीच नदी में देखिए किस तरीके से एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं, चप्पू से हमला करते हुए ये वीडियो भी अब वायरल हो रहा है और आप देख सकते हैं पर्यटकों का ये दल एक दूसरे की बोट पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं, एक दूसरे पर चप्पू से हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि किसी बात को लेकर कहासुनी हुई, कहासुनी होते होते मारपीट में तब्दील हो गई और उसके बाद इन पर्यटकों ने एक दूसरे पर चप्पू से हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि आसपास जो वहां पर मौजूद लोग थे उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को अपने कैमरों में कैद कर लिया और अब ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। आप देखिए कैसे एक दूसरे पर चप्पू से हमला किया जा रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप सबसे पहले देख रहे हैं और ऋषिकेश में राफ्टिंग के दौरान पर्यटकों में ये मारपीट हुई है, एक दूसरे के साथ विवाद हुआ। मामूली सी बात को लेकर बताया जा रहा है कि विवाद होता है और देखते देखते जो विवाद था इतना बढ़ जाता है कि एक दूसरे पर चप्पू से ये लोग हमला करने लगे। और अब एबीपी गंगा के कुछ महत्वपूर्ण सवाल, जहां मौज मस्ती की जगह पर मारपीट की नौबत आखिरकार क्यों आई है। राफ्टिंग के लिए देश विदेश से जो लोग हैं यहां पहुंचते हैं, इस तरह की घटना से क्या पर्यटन पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि वीडियो काफी वायरल हो रहा है, तमाम ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। गाइड ने पर्यटकों को झगड़ने से क्यों नहीं रोका, जो गाइड मौके पर मौजूद था, लोग वीडियो बनाते रहे, कोई बड़ा हादसा हो जाता तो जिम्मेदार कौन होता, क्योंकि आप तस्वीरों में देख रहे हैं बीच नदी पर ये लोग आपस में झगड़ रहे हैं। पर्यटकों में मारपीट की पुलिस को जानकारी अभी तक क्यों नहीं दी गई है, दोनों पक्षों की तरफ से अभी तक तहरीर नहीं दी गई है, लेकिन जो आसपास लोग थे उन्होंने भी अभी तक पुलिस को इसकी जानकारी नहीं दी है।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।